वो कहते हैं ना गुरु, बुरा वक्त कैसा भी हो गुजर जाता है। बुरे वक्त में समझ में आता है कौन अपना है और कौन पराया है। कुछ ऐसा ही हुआ है दिनेश कार्तिक के साथ। दिनेश कार्तिक कुछ समय पहले कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, उनकी पत्नी भी छोड़ के चले गए थे, लेकिन जब वक्त ने करवट बदला तो उस परफॉर्मेंस भी आई, उसके बाद सेलेक्शन भी हुआ। लेकिन आईपीएल 2024 में उन्होंने 1 जुलाई को रिटायरमेंट ले लिया, आरसीबी से अंतिम मुकाबला खेला, मतलब आरसीबी के टीम से वो उन्होंने अपना अंतिम मुकाबला। जैसे ही 1 जुलाई को उन्होंने रिटायरमेंट लिया, अगले ही दिन आरसीबी ने उन्हें बैटिंग कोच बना दिया। उन्होंने ये कहा, गुरु क्यों तुम जाओगे कहीं पे और कहीं जाओगे, तुम अच्छे बैट्समैन इधर उधर शॉट मारते हो, T20 के लिए अच्छे फॉर्मेट में एक्सपीरियंस है तुम्हारे पास, तो इधर उधर मत जाओ गुरु। अब वो भारतीय प्लेयर, पहले भारतीय प्लेयर हो जो साउथ अफ्रीका T20 लीग में खेलेंगे। साउथ अफ्रीका T20 लीग IPL की ही तरह एक लीग है जिसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस, अब वो सुर्खियाँ में धीरे धीरे आ रही है साउथ अफ्रीका लीग। देखो दिनेश कार्तिक के साथ यह है कि दिनेश कार्तिक लास्ट के 2-4 साल काफ़ी अच्छा परफॉर्म किए, जब उनका जब टीममेट सिलेक्शन इंडिया टीम में, देखो अंतिम समय में दिनेश कार्तिक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया। इस साल 2024 में जो परफॉर्मेंस किया था उसको ऐसा भी लग रहा था T20 वर्ल्ड कप में सिलेक्शन हो जाए, लेकिन वक्त और हालात कुछ इस कदर था कि उन्होंने T20 में सिलेक्शन नहीं हो पाया। रोहित शर्मा भी ये भी कह रहे थे कि उन्होंने दिनेश कार्तिक ने T20 का सिलेक्शन माइंड में रख रखा है। तो जो होता है अच्छा के लिए। तो दिनेश कार्तिक आपको कैसे लगते हैं, लाइक करें, कमेंट करें, अगर यहाँ तक वीडियो को देखें तो चैनल को सब्सक्राइब करें।